रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला की हालत इस समय बेहद खराब है। बिग बॉस के घर से बाहर अस्पताल के आईसीयू में इस वक्त सिद्धार्थ को प्लेटलेट्स चढ़ाई जा रही हैं। टाइफाइड की वजह से सिद्धार्थ की हालत इस समय बेहद नाजुक है और उन्हें सीक्रेट रूम से आनन फानन में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर्स और नर्स की एक टीम सिद्धार्थ की हालत पर लगातार नजर रखे हुए है, लेकिन अब आगे क्या होगा? क्या सिद्धार्थ जल्दी से ठीक होकर दोबारा बिग बॉस में वापस आएंगे, या फिर सिद्धार्थ की बीमारी खत्म कर देगी बिग बॉस के घर में उनका सफर? जैसा कि आपको पता है कि बीमारी की वजह से देबोलीना भट्टाचार्य को भी बिग बॉस का अपना सफर बीच में ही छोड़ना पड़ा। देबोलीना भी अब अपने घर पर हैं और उनका इलाज चल रहा है। कहा जा रहा है कि बिग बॉस के नियमों के मुताबिक देबोलीना अब चूंकि एक बार घर से बाहर हो चुकी है, लिहाजा उनका दोबारा बिग बॉस के घर में जाना नामुमकिन है। तो क्या ऐसा ही नियम अब सिद्धार्थ शुक्ला पर भी लागू होगा, या फिर सिद्धार्थ के लिए बदल जाएंगे बिग बॉस के घर के नियम? एक और जरूरी बात, सिद्धार्थ को टाइफाइड बुखार है। ये बुखार शरीर को बेहद कमजोर कर देता है। बुखार ठीक होने के बाद भी करीब 10 से 15 दिन के रेस्ट और बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। तो क्या ऐसे में जब सिद्धार्थ का टाइफाइड ठीक हो जाएगा तो भी वो घर से बाहर इतने लंबे समय तक रेस्ट करेंगे, या फिर उन्हें शो को टाटा बाय बाय ही कहना पड़ेगा? साफ सी बात है कि सिद्धार्थ घर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर्स में से एक है। उनकी खराब तबीयत की खबर भी पिछले काफी वक्त से दबे छिपे तरीके से सामने आ रही थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उन्हें अस्पताल में ही एडमिट होना पड़ जाएगा। खैर, सिद्धार्थ की हालत और बिग बॉस के घर में चल रहे अपडेट पर हमारी पल पल की नजर है। क्या सिद्धार्थ को ऐसे हाल में बिग बॉस का घर छोड़कर अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए, या फिर उन्हें गेम में वापसी करके अपने आप को विनर बनाना चाहिए? आप इस पूरी सिचुएशन पर क्या सोचते हैं, जरूर बताइए अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में।